अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जैसे आपको पता है कि आज 22 ख़त्म होने जा रहा है और 23 स्टार्ट होने जा रहा है, तो सर्दी बहुत है इस वक्त, मौसम बहुत प्यारा है, फोक शोक नहीं है, ना स्मोक है इतनी ज़्यादा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरियर टाउन में और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है बैरियर टाउन एफिल टावर के ऊपर जो आतिशबाजी की जाती है सेलिब्रेशन के तौर पर, वो इस बार भी नहीं होगी, लेकिन काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं। तो मेरे दो दोस्त हैं, एक तो यहाँ के करीब रहने वाला, आप जानते होंगे ऑलरेडी उसको, लेकिन एक जो ना वो भाई साहब आउट ऑफ सिटी से आए हैं, उनसे ही बात करवाएंगे। ये जो भाई साहब मेरे साथ हैं, ये इनका नाम अजमल है, ये देखें बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। हाय, देखा यार लड़कियों की तरह हाय करता है, हाय अच्छी तरीके से हाय करो, हाय। हाँ तो अजमल जो है ना, ये बेसिकली इसकी जो स्पीच है वो स्ट्राइकी बेस भी है, अभी हम स्ट्राइकी बेस में भी इनसे बात करेंगे। और एक और दोस्त जो शहजादा हमारे साथ है वो ये है, ये भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, ये पटाखे देखने के लिए आया, जो एफिल टावर पटाखे नहीं ना, पटाक ये उसे देखने के लिए आया, पिंड से आया हूँ, इधर पर ही है। आप क्या रहते हैं कि पटाखे है भाई, है भाई ने पिछले साल ली थी, साले भी छड़ी नहीं, कहा था कि सर्दी बड़ी है, शाल लेके जाना, तो मैं आया पटाखे देखने। अच्छा, तो बिशारत साहब से पहले यार एक चीज ये बताओ कि आपका दोस्त जिसने अभी आना था वो दोपहर परदेसी अभी तक नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। नहीं, वो मेरी बात हुई है उससे, तो असल में ना वो वीकेंड पे गया हुआ, घर गया हुआ है, तो उसको कोई हफ्ते की छुट्टी थी तो वो घर गया हुआ है, तो आज वो परदेसी नहीं है, आज वो अपने भाई घर गया हुआ, तो अब घर है परदेसी। अच्छा। तो आज हम बने हुए हैं परदेसी, वो बने हुए, वो गुजरांवाले जी, वो हमारा जो दोस्त था वो गुजरांवाले से था, बहुत हैवी पर्सन है वो भी, इंशाल्लाह वो अगर हमें ज्वाइन करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम हम उसके सिटी में जाएंगे, उसे मिलेंगे। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ये है कि चाय शाय होनी चाहिए, तो चलते हैं दो चाय की तरफ, तो वहाँ पे चाय पियेंगे और साथ साथ गपशप भी लगाएंगे और आपको एफिल टावर की तरफ लाजमी लेके जाएंगे, वहाँ का भी इन्वायरमेंट आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी बैरियर टाउन मौजूद है, तो क्या कंडीशन है वहाँ की, चलते हैं अभी, लेकिन चाय पिए उसके बाद फिर चलेंगे। अप स्टेयर के ऊपर ना दो चाय के नाम से यहाँ पे ना दो चाय पीछे है, थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा भाई, इतना भी ना लेके जाओ, पीछे सड़क है। अच्छा, तो अभी ये है कि चलेंगे ऊपर और चाय का मज़ा टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो आई थिंक इस साइड से जाना पड़ेगा हमें, ये लिखा भी हुआ है दो चाय, ये दो चाय का क्या मतलब है, दो दफ़ा पीनी है। अच्छा, दो दफ़ा। हाँ, ये भाई साहब हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं, बड़ी दूर से आए हैं ये भी, खाने पीने की अशिया बाहर से लाना सख्ती से मना है, ये देख लें जी इनका, कहीं इधर से पीनी है, इधर से खाना है, ताकि ये जी इन्वायरमेंट। तो गाइज इस वक्त ऊपर सारी सीटिंग फुल है, तो ये एक साइड पे हमें जगह मिली है, चलते हैं वहाँ पे बैठते हैं, इनके पास जगह काफी लगता है, मुझे लगता जगह काफी है जी। बेसिकली आज आपको पता है कि जो न्यू ईयर नाइट है, तो इस सिलसिले में सब लोग घरों से निकले हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, और जहाँ भी हम जा रहे हैं, अभी पहले हम फोकन लाइफ गए हैं तो वहाँ से पिज़्ज़ा भी खाया है, लेकिन बहुत जल्दी में खाया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे फैमिली आई थी और ज़्यादा हमने उनको प्रायोरिटी दी कि उनको वहाँ पे सीट मिलनी चाहिए, तो हमने वो जल्दी जल्दी वो भी खाया, मज़ा तो नहीं आया था लेकिन टेस्ट अच्छा था उसका। बहरहाल अभी हम मौजूद हैं जी दो चाय के ऊपर और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है यहाँ पे, मेरे भाई साहब चाय पीनी है तो वो क्या, जिसने एक दफ़ा चाय पीनी है वो भाई साहब इस तरह का होगा, ये देखिए दो दफ़ा इन्होंने देनी नहीं है, इन्होंने खुद ही कहना भाई तेरा हक नहीं बनता दूसरी दफ़ा। और ये अजमल साहब, ये हमारे दोस्त जो है ना, ये एक दफा घर में बड़ी मुश्किल से एक दफा देते हैं, तो दो दफा कैसे। देखा इस भाई को सर्दी बहुत लग रही है, इसको मैं छुपा के, इसको चादर दो, ऊपर चादर दो, चौधरी साहब चादर दे, चादर दो। तो गाइज अभी चाय शाय का करते हैं यहाँ पे आर्डर शार्डर और क्या टेस्ट उसका वो भी देखते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एफिल टावर की तरफ। और इधर घुमा के
पहली बजना शुरू हो गया टाइम अरे 12 बजे नहीं है तो मैं क्या मुंडा बेचारा पीछे ना रहिए कितने वो चला के चेक कर रहे हैं कि ये ना हो 12 बजे जब वो स्विच दबाए तो पता कि 9 बजे तो हम क्या करेगी बारह क्या करेगी अभी वो ट्रायल कर रहे हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे होगी लेकिन हम चलते थोड़ी देर बाद चाय पहले चाय चाय हो जाए तो क्योंकि चाय पीने से थोड़ा सा फर्क ही पड़ेगा क्योंकि सर्दी कम लगेगी कश्मीरी चाय पी कश्मीरी। तो फ्रेंड चाय आ गई है, ये कश्मीरी चाय जी विशारत ने की है डिमांड, तो वो आई है चाय। ये चाय का कलर है जी, अच्छा लग रहा है चाय का कलर, अच्छा लग रहा है। बीच में बादाम शादाम डाले हुए हैं, ये चीनी डाल रहा है क्योंकि ये फ्री में साथ मिली होती है ये वाली, तो ये भाई ने अब सारी ख़त्म कर देनी इसमें डाल के। गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं जी दो चाय से फारग होके खड़े हैं आउटसाइड पे, और चाय ग्रीन टी पीने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। गर्मी जो अभी जो सर्दी की शिद्दत थी वो थोड़ी कम फील हो रही है। तो अभी हम चलेंगे जी एफिल टावर की तरफ, तो वहाँ के जाके व्यूज दिखाते हैं आपको और वहाँ पे क्या इस वक्त सीन है वो भी आपसे शेयर करते हैं। टाइम ऑलमोस्ट करीब करीब ही है, 12 बजे का भी आपको सीन दिखाएंगे क्या सूरत हाल है वहाँ पे। तो अभी निकलते हैं जी एफिल टावर की तरफ और रस्ते में आपको सारी चीज़ें शो करवाते चले जाएंगे, क्या सिनेरियो रश है कि नहीं है। इस वक्त हम बैरिया चौक के इधर अंदर आए हैं, जो एंट्रेंस जा रही है एफिल टावर की तरफ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, बहुत ज़्यादा हजूम इकट्ठा हो चुका है। मैं आपको अपने बैक वाली साइड पे भी ना यहाँ पे घुमा के दिखाऊंगा जो स्टेटस है बैक। हर तरफ इस वक्त गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और लोगों का जो हजूम है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही 12 बजने वाले हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और सारे रोड ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम भी स्टक हो चुके हैं, आगे देखते हैं आगे जाने का रास्ता मिलता है कि नहीं, कि यहीं तक है। हेलो गाइस, तो इस वक्त हम एफिल टावर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पे रश मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेरे बैग पे देखेंगे तो हर तरफ रश ही रश है, और आपको मैं एफिल टावर दिखाता चला जाऊँ। ये साइड पे जो जहाँ पे लाइट ब्लिंक करी है बस बिल्कुल पास ही है, 2-3 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अभी चलते हैं जी आगे, क्या स्टेटस है आपको दिखाएँगे। तो गाइस ये भाई साहब मेरे साथ मिल चुके हैं, ये गुम हो चुके थे क्योंकि इनको अभी नहीं आइडिया यहाँ पे बैरियर टाउन का, लाहौर की सड़कों का। और ये भाई साहब को बड़ा मुश्किल हमने ढूंढा है, ये देखिए कितना प्यारा था मसूम साहब हमारा भाई दोस्त है। तो कोई मसला मसाया तो नहीं हुआ आपको? यार मसले बहुत ज़्यादा हुए। क्यों क्या हुआ यार? यार जहाँ जहाँ जो भी आता है बड़े मसले से लिख के आता है। क्या मसला होया कि मैं गुम हो गया, दूसरा मसला होया कि रश बहुत ज़्यादा है, सानू जगह कोई नहीं मिली। अच्छा अच्छा एक चीज़ और करते हैं जी, ये हमारे दोस्त जो है ना ये बेसिकली सराइकी हैं, तो अभी इनसे हम कहते हैं कि सराइकी में ही हमसे बात करें, तो आप भी देखिएगा कि सराइकी में समझ आती है कि नहीं आती आपको। तो आपके साथ क्या हुआ जी, आप किस तरह घूमे, कहाँ किस साइड पे गए और किस तरह हम आपको नज़र आए, बताए जरा। था गल इंज हुई भाई, मैं उतो निकले हूँ, मैंने बशारा साहब आख्या जी आज छुरलियाँ पटाके, ये छुरले पटाके इस भाई ने, इस भाई ने दिलासा दिया था। ये भाई मैं नुड़ा छड़ो, मैं गड्डियां गिनन दा पिया। अच्छा अच्छा, फिर छुरलियाँ पटाके होने। इस टाइम तक खज्जल खुआरी है,
अपने छुरलियाँ पटाखे बांध चुके हैं, लेकिन फिलहाल तक नज़र कुछ नहीं आया। नज़र जी कुछ नहीं आया जी, अजमल साहब को कुछ नज़र नहीं आया। ये बड़ी दूर से आए हैं एफिल टावर के ऊपर जो आतिशबाजी होनी है उसको देखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। भाइयों आगे चलते हैं, आपको दिखा के एफिल टावर करीब से लेके आते हैं, आ जाए मेरे पीछे। तो इन्होंने कोई उत्थे पटाखे पटूखे हो रही कोई चला के दिखा दो, मोर कुछ नजर आसी ना भाई। ये इतना कैसी कि यार मैं लोड़ गया सा ते एफिल टावर भी देखा तो कुछ नजर भी नहीं आया, वो भी ते नहीं होना चाहिए ना। हाँ भाई साहब मेनू लगता मुंह ने ठाठा करनी पैनी है। आ तू आ तू वादा कड़ी ना थोड़ी, तेरी बात बड़ी अच्छी लगी ठाठा करनी। मैं पानी बोता पी लिया सारे बेस हो गए। अच्छा तो गाइस इस तरह है कि रश बहुत ज्यादा है अभी। ये है कि ये आपको मैं अपने ना अराउंड में दिखाता हूँ, तो इसी तरह हम ये आपको एफिल टावर का भी व्यू दिखा देते हैं जी। एफिल टावर जो नज़र आ तो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ना वो होगी आतिशबाजी वगैरह, लेकिन हम ना करीब चलते हैं आगे, आगे जाके इसका व्यू दिखाते हैं। भाई आपको नज़र आया मोर दसो ना सानू अपने थोड़े व्यू तो दियो ना तानू कहिंदा फील हो रहा लोर आके। इस टाइम तक मैं मायूस हां। क्यों? क्योंकि जेडी छुरलियां पटाके वेखण आया सी वो मैं नजर नहीं आ रही, इक्का लैड लम्मी जी लगी हुई है। चले आपको ना आपको हम ना बिल्कुल करीब नजर आ जाती है, आपको करीब उसके लेके चलते हैं ताकि आप उसका व्यू कर सकें और आप बता सकें अपने वहाँ पे जाकर जी मैंने एफिल टावर देखा है, आतिशबाजी नहीं हुई, एफिल टावर तो देख लिया ना। ऐसी है गाइस ये सूरत हाल है जी यहाँ पे। जैसे हम उसके एफिल टावर के सराउंड में जा रहे हैं तो रश मजीद बढ़ता चला जा रहा है। जी यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात है ना, जो यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं और किसी किस्म का भी तसादम होने से वो जो आप सबको ना कवर कर रहे हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे ना हो, क्योंकि फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा आई हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अपने सारा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे, जो सबसे अच्छी चीज़ है। तो गाइस फाइनली हम बहुत करीब आ चुके हैं एफिल टावर के जी। ये है, इसको देखने के लिए सारे लोग यहाँ पे आए हैं। इसकी खास जो बात है वो ये है कि आतिशबाजी होती है जी यहाँ पे और सेलिब्रेशन बड़े अच्छे तरीके से की जाती है बैरियर टाउन लाहौर के अंदर, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस बार। लास्ट ईयर भी ऐसी था, कोई आतिशबाजी नहीं हुई थी, बड़े मसलन उन्होंने सिंपल वे से सेलिब्रेशन की थी। बहरहाल देखते हैं, अभी टाइम थोड़ा सा ही रहता है, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। और इसमें इन्होंने इस वक्त क्या किया हुआ जी, चारों तरफ से बंद किया हुआ है कि कोई इंटर रॉन्ग वे से ना हो यहाँ पे। अच्छा भैया आप तो बता दो एफिल टावर नज़र आ गया आपको? थोड़ा ऊंचा बोल लो यार, मज़ा नहीं आ रहा। अब वो ऊपर जाना, तुमने ऊपर जाना, वो जहाँ पे लाइट लगी हुई है छुरलियाँ पटाखे, छुरलियाँ पटाखे। हाँ भाई साहब आपने आपने प्रॉमिस किया था कि छुरली पटाखे दिखाने आपने, तो अब थोड़ा सा सब्र कर दो, मैं मुंह ठा ठा करके दिखाता है।
मौजूद हैं एफिल टावर बैलेटोन के अंदर और यहाँ पे आपने सेलिब्रेशन देखी बहुत ही उमदा अंदाज में थी, बहुत ही प्यारी। और यहाँ पे लोगों का रश बहुत ज़्यादा था, आप मेरे रेस्टोरेंट में देख सकते हैं इस वक्त कितना रश है यहाँ पे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। वो किधर है आरिज, किधर है? तो गाइस यहाँ पे करते हैं ये भाई आप ये बताओ आप खुश हो? हाँ यार, आपने वीडियो बनाई? अच्छा, अब थोड़ा सा खुश हो? थोड़ा ना कर यार, ये इतनी इतनी जबरदस्त सेलिब्रेशन भी दिखाई है। इन्होंने मुझे कहा था कि 20 मिनट की होगी लेकिन ये 10 मिनट की हुई। लेकिन यार इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 11 मिनट की पूरी हुई है। अब आप बता सकती हो कि हम लाहौर पहुंचे, बैरेटोन पहुंचे, एवडोर पहुंचे और सेलिब्रेशन फुल टॉप की। अब ये खुश हो भाई? तब से खुश नहीं थे, अभी ये खुश है और इनके फेस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं आप। कितनी देर होनी चाहिए थी भाई? ये सारी रावण जल्दी 9 मिनट में मुंह से ठाठा कर दूंगा। अच्छा, बस तुम्हें हम खुश देखना चाहते, बाकी तुम मुंह से कर दे भाई, ठाठा कर दे, पानी पी लिया। तो फ्रेंड अभी आपको करते हैं अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और न्यू ईयर में खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज भाई, टेक केयर।